पूरा असम गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो रहा है। पहला इवेंट है जो फरवरी 1 से 3 तारीख तक हो रहा है और इसको इकोनॉमिक अफेयर्स मीटिंग बोलते हैं। दूसरा इवेंट जो होने वाला है वो 6 से 8 फरवरी हो रहा है, वो यूथ एंड कल्चरल अफेयर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, ये दोनों इवेंट का थीम अलग है। पहले इवेंट में तो इकोनॉमी जो है हमारे आसाम का, नॉर्थ ईस्ट रीजन का, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम नेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन और ये डेलिब्रेशन होगा। दूसरा इवेंट जो है वो यूथ का है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और हमारा पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और हमारा स्ट्रेंथ है हमारा यूथ। तो ये यूथ इवेंट में IIT गुवाहाटी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर 150 डेलीगेट्स आकर न्यू गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं और उसमें 50 डेलीगेट्स फॉरेन से हैं। और ये 7 फरवरी को पूरा इवेंट IIT गुवाहाटी में होने वाला है। उसमें 5 सस्टेनेबिलिटी, पीस, इंडस्ट्री, ऐसे 5 अलग अलग थीम हैं। इसके ऊपर बहुत ही डिस्कशन होगा और ये अच्छा बात यह है कि इसमें असम गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एफर्ट डाला है कि 400 स्टूडेंट स्टेट के अलग अलग जगह से, 34 डिस्ट्रिक्ट से, 34 डिस्ट्रिक्ट से लेकर आने वाले हैं और वो लोग भी, ये जो डेलीगेट्स आने वाले हैं और जो पैनलिस्ट आने वाले हैं, उसके साथ डिस्कशन करेंगे, डेलीब्रेशन करेंगे और क्या फ्यूचर में हम लोग यूथ का कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक वाइट पेपर निकलेगा जो 8 को रेडिसन ब्लू में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके जरिए हमको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आसाम के अंदर जो भी इनोवेशन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसको वर्ल्ड को दिखाने के लिए। तो ब्रांड, आसाम का जो ब्रांड है वो हम अच्छे से पूरे वर्ल्ड को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू द यूथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमको पूरे स्टेट को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए और ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार ही मिलता है, तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और हमको पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके इस इवेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। आप लोगों गम पासे इतिम्य G20 सामिटर कारण बाहर देशों प्रतिनिधि जिस इतिम्य IIT और शुवालकुसी परिभ्रमण कर कथा आए और एक क्षेत्र आम इतिम्य IIT करपक्षर दोबार आलोचन बहिशो और आज आम प्रारम्भिक आलोचना हो गई है। सिक्योरिटी प्लेन आम चकआउट कर लैसो और तलोर थका अहर कर रास्ता गोटेखी आम सिक्योरिटी कवरेज थको आम स्पेसियल स्कॉट पायलटर व्यवस्था करूँ केम्पत आम सिक्योरिटी फिक्स पेकेटर व्यवस्था करूँ आको क्लोज वाचर कारण आम एरियाबाक DSB पार्सनेल आम डेपुट करूँ और जिस स्पेसियल बाहर कब खोजे आम एक्सट्रा के स्कॉट प्रोवाइड कर दीम और अलमान कम आम होमवर्क बाकी आज आज दिन सम्पूर्ण हो जाए।